हाई एवरी वन, वेलकम बैक टू माई चैनल. आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड. सो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक प्रोडक्ट रिव्यू शेयर करने वाली हूँ. एंड सच में बता रही हूँ गाइज, इस प्रोडक्ट की आपको इस वक्त बहुत ज़रूरत है, बिकॉज आप सबको पता है वेडिंग सीजन जो है ना वो शुरू हो चुका है. एंड वेडिंग सीजन में हम लेडीज़ की एंड गर्ल्स की, टीनेजर्स जो गर्ल्स होती है ना, उनकी सबसे बड़ी चाह ये होती है कि हम सबसे सुंदर दिखें. तो सुंदर दिखने के लिए बेसिक स्टेप से शुरू करना पड़ता है, जो है फेस. एंड फेस पे हम बेसिक ग्लो कैसे ला सकते हैं, बाय फेशियल. सो आज मैं आपके लिए लाई हूँ नेचर एसेंस की फेशियल किट्स. सो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं. सो ये है नेचर एसेंस की जेंटल फ्रूट फेशियल किट. दिस इज ग्लोइंग गोल्ड, ब्राइटनिंग डायमंड फेशियल किट, व्हाइटनिंग पर्ल फेशियल किट, एंड दिस इज फ्लॉलेस पपाया फेशियल किट. सो देर आर टोटल 5 वेरियंट. सो टूडे आई एम गोइंग टू यूज नेचर एसेंस व्हाइटनिंग पर्ल फेशियल किट. इन दिस देर आर 4 स्टेप्स, 1, 2, 3, 4. सो फेशियल से पहले D10 थेरेपी पैक है, उसके बाद फर्स्ट क्लिंजर है, सेकेंड एक्सफोलिएटर है, थर्ड इज लाइटन, एंड फोर्थ इज पॉलिश क्रीम. सो सबसे पहले यहाँ पे मैं D10 पैक लगा रही हूँ. इसको अच्छे से अपने पूरे फेस पे अप्लाई कर लूंगी, एंड 15 मिनट्स के लिए इसे एज इट इज रहने के बाद मैं इसे वाइप ऑफ कर लूंगी. एंड आप देख सकते हो गाइज, विद इन 15 मिनट्स मेरी स्किन से जो टैनिंग रिमूव हुई है, मेरा स्किन का कलर जो है वो कितना ज्यादा क्लियर लग रहा है. अब सबसे फर्स्ट स्टेप मैं यूज कर रही हूँ जो है क्लिंजिंग का, और क्लिंजिंग को मैं अपने फेस पे अच्छे से लगाऊंगी. 2 मिनट्स के लिए इसको अच्छे से मसाज करना है. ये आपकी स्किन को जेंटली क्लेंज करता है, ये आपकी स्किन को बहुत सपल एंड फ्रेश बना देगा. एंड आप देख सकते हो ग्लो कितना अच्छा आ रहा है. सेकेंड स्टेप जो है वो है व्हाइटनिंग पर्ल स्क्रब. तो यहाँ पे मैंने पूरे फेस पे अच्छे से स्क्रब कर लिया है. स्क्रब आपको 7 to 8 मिनट्स के लिए करना है. ये बहुत ही डीप एक्शन स्क्रब है जो आपके फेस के जो भी स्कार्स होते हैं उनको लाइटन करता है और आपकी स्किन को स्मूथन करता है. सो बस 7 to 8 मिनट्स के लिए इसको अच्छे से स्क्रब करिए. एंड अपवर्ड डायरेक्शन में आपको स्क्रब करना है, जैसे मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ. तो उससे आपकी स्किन जो है थोड़ी सी टाइट भी हो जाएगी, और उसके बाद आप इसको रिमूव कर लीजिए. थर्ड स्टेप है हमारा व्हाइटनिंग पर्ल क्रीम, और इसे हम 10 मिनट्स के लिए अपनी फेस पे मसाज करेंगे. जो पर्ल क्रीम है वो एनरिच्ड क्रीम है जो आपकी स्किन को बहुत ही ज़्यादा सपल बनाती है, रेडियंट बनाती है, एंड ग्लो ऑब्वियसली प्रोवाइड करती है. सो 10 मिनट्स के लिए इसको अच्छे से अपनी स्किन में मसाज करिए अपवर्ड डायरेक्शन में, एंड ये अपना मैजिक दिखा देगी आपको. तो यहाँ पर मैंने इसको 10 मिनट्स तक अच्छे से मसाज कर लिया है, एंड उसके बाद अब मैं इसको रिमूव कर चुकी हूं. एंड आप देख सकते हैं क्या ग्लो आया है मेरे स्किन पे गाइस, दिस इज एब्सोल्युटली स्टनिंग. एंड फोर्थ स्टेप है हमारा व्हाइटनिंग पर्ल ग्लो पैक. ये आपके स्किन को बहुत ही अच्छे से टोन करता है एंड अच्छा प्रोवाइड करता है ग्लो. सो इसको हम अप्लाई करने के बाद 15 मिनट्स रहने देंगे, एंड उसके बाद हम इसको रिमूव कर लेंगे. एंड आप देख सकते हैं गाइस, मैं एक साइड से रिमूव कर रही हूं, आप मेरी स्किन पे जो ग्लो है वो देख सकते हो कितना अच्छा ग्लो आया है. सो किट मुझे अच्छी लगी, स्किन मेरी काफी अच्छे से टाइट हो गई है, मेरे ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स रिमूव हो चुके हैं, एंड स्किन इज फीलिंग वेरी फ्रेश एंड सपल. सो ये आप ग्लो कम्प्लीटली देख सकते हैं मेरी स्किन पे कि किस तरीके से मेरी स्किन में ग्लो आया है, एंड आई एम वेरी हैप्पी विद दिस किट. ठीक है गाइज, मैंने कैसे 45 मिनट्स में अपना फेशियल कम्प्लीट कर लिया एंड इतना अच्छा रिजल्ट पाया है. सो आप ये रिजल्ट पा सकते हैं बाय नेचर एसेंस फेशियल किट. तो इस किट की प्राइस है 260 रुपीज, दैट मीन्स 80 रुपीज पर फेशियल. एंड आपको पता ही होगा कि आजकल 200 और 300 में तो आपको सिर्फ क्लीनअप मिलता है, फेशियल तो आपको 500 के अबव ही मिलते हैं. सो आप 80 रुपीज में खुद का फेशियल खुद कर सकते हैं घर पे बहुत इजी तरीके. एंड सबसे अच्छी बात यही है गाइस कि आपको कहीं बाहर नहीं जाना है, कोई आपको यू नो ट्रैवलिंग एक्सपेंस एक्स्ट्रा नहीं लग रहा है. एंड सबसे अच्छा कन्वीनियंसी के हिसाब से आप कर सकते हो, लाइक आप मॉर्निंग में कर सकते हो, रात में कर सकते हो, आप जब फ्री हो तब कर सकते हो. दिस किट इज सुटेबल फॉर एवरी स्किन टाइप, सो यू डोंट हैव टू वरी एट ऑल. आपकी कोई भी स्किन है आप इसको यूज कर सकते हो. एंड फॉर बेटर रिजल्ट आप इसको हर 2 हफ्ते में एक बार यूज करिए, इससे जो आपकी टैनिंग होती है ना वो निकलती रहेगी, तो बहुत ज्यादा टैनिंग आपके स्किन पे नहीं रहेगी. एंड इसमें यहाँ पे एक प्रो टिप भी दिया गया है कि अगर आपको परफेक्ट ग्लो चाहिए ना, तो मास्क जब रिमूव कर रहे हैं ना उससे पहले आप एक वार्म टॉवल ले ले और उसको अपने फेस पे रखे, जिससे जो पोर्स है ना ओपन हो जाते हैं तो मास्क जो है अपना अच्छे से काम कर सकता है. सो ये एक प्रो टिप थी, अगर आप यूज करना चाहते हैं तो इट्स वेल एंड गुड. एंड आप देख सकते हैं कि ये किट यूज करके ना मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ, बिकॉज मुझे एक ऐसी चीज मिल गई जो जस्ट 45 मिनट्स लेगी. एंड यू नो मेरा एक मेकओवर हो जाता है फेस का, एंड मुझे बाहर जाने की झंझट नहीं है, ज्यादा पैसे खर्च नहीं करने पड़ेंगे, और सबसे ज्यादा मेरा टाइम बचेगा. एंड
बहुत डिफिकल्ट है आज के टाइम पे, यू नो, टाइम निकाल के बाहर जाके फेशियल करवाना. सो मेरा तो सेवियर आ चुका है कि मैं घर पे ही कैसे फेशियल करके बहुत ही अच्छा सा ग्लो पा सकती हूँ. अब बारी आपकी है, सो आप भी इस प्रोडक्ट को ऑर्डर कर सकते हैं. लिंक्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड की है, चेक जरूर से कर लीजिएगा. सो चलिए आज के वीडियो को मैं करती हूँ ये खत्म, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, बाय गाइस.